गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है वो फिजिक्स में यानी साइंस में प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण। गोली दर्पण से जो प्रश्न बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी हैं, किसी भी और कंपटीशन एग्जाम में है ना। तो उस ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो पार्टिकुलर हम आज गोली दर्पण से बताएंगे। गोली दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस आकार का बनेगा, किस नेचर का बनेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं आजकल। जो पैट जो परीक्षा है, जो पटवारी चयन परीक्षा, उसमें भी साइंस का यदि टॉपिक है तो उसमें परावर्तन वाला जो चैप्टर है वो इसी से है। तो गोली दर्पण से, मेनली गोली दर्पण से, ठीक है ना। परावर्तन फ्री गोली में गोली दर्पण आता है। गोली दर्पण में जो है प्रतिबिंब में कब कहाँ कैसा बनेगा, ठीक। तो उसमें ये बता दें, यहाँ हम डायरेक्ट डायग्राम बना के 6 कंडीशन में सब कुछ एक ही डायग्राम में समझा देंगे। ये एक अवतल गोली दर्पण है। क्या है ये? अवतल गोली दर्पण है। इसमें ये पी क्या है, ध्रुव है, एफ क्या है, फोकस है, सी क्या है, वक्ता केंद्र है। पी ध्रुव है, एफ फोकस है, सी क्या है, वक्ता केंद्र। ये गोली दर्पण है, अवतल गोली दर्पण है, अवतल गोली दर्पण है, अवतल गोली दर्पण है। इसमें पी जो है वो क्या है, यहाँ पर पी जो है वो क्या कहलाता है, ध्रुव होता है। एफ जो होता है वो फोकस होता है। एफ क्या है? फोकस। सी जो है वो क्या है? वक्ता वक्ता केंद्र, है ना। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी बोलते हैं। ये क्या है? फोकस दूरी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वक्ता त्रिज्या है। आर क्या है? वो वक्ता त्रिज्या है, ठीक है ना। ये बहुत दूरी पर ये है अनंत, ठीक। ये गोली दर्पण है। इस गोली दर्पण में पी ध्रुव है या फोकस है, सी वक्ता केंद्र है, और ये क्या है? बहुत दूरी पर अनंत। यहाँ पर हम ये बताना चाहेंगे कि यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखें तो क्या होगा, उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, कहाँ बनेगा, किस आकार का बनेगा। तो पहली बार वस्तु को अनंत पर रखेंगे, यहाँ पर 6 कंडीशन हैं। यानी एक बार हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। एक बार वस्तु को अनंत और सी के बीच रखेंगे। एक बार वस्तु को सी पर रखेंगे। एक बार वस्तु को सी और एफ के बीच रखेंगे। और एक बार वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, एफ पर। और एक बार वस्तु को रखेंगे सी पी और एफ के बीच। ध्यान देना, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु को यहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सुनो, पहली बार वस्तु को हम रखते हैं अनंत पर, फिर अनंत और केंद्र के बीच, ठीक है, फिर केंद्र पर ही, वक्ता केंद्र पर, फिर केंद्र और फोकस के बीच में, फिर फोकस पर, और फिर फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ये आपको बता दें, देखिए, जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। जब अनंत पर रखे तो फोकस पर। और जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की तरफ ले जाएंगे तब प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जाएगा। जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की तरफ ले चलेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जाएगा। लीजिए, इसमें फिर से एक चित्र देखो, पी एफ सी अनंत। हम वस्तु को पहली बार कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर। कहाँ रख रहे हैं? अनंत पर। तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर। स्टार्ट पॉइंट समझ लो, अनंत पर रखे तो फोकस पर बना। अब जैसे जैसे वस्तु को नज़दीक लाएंगे तो प्रतिबिंब दूर भागेगा। अब वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच रखे देते हैं, अनंत और केंद्र के। जब वस्तु को अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब बना था फोकस पर। अब वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब इसके आगे आएगा, तो कहाँ आ जाता है, सी और एफ के बीच में।
वस्तु अनंत और सी के बीच में, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में। अब वस्तु को हम सी पर ही रख दिए तो प्रतिबिंब भी कहाँ आ गया, सी पर ही आ गया। क्या कहा हमने, अनंत पर रखा था, फोकस पर बना था। अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखा तो फोकस और केंद्र के बीच में आया। अब जब केंद्र पर रख दिया तो केंद्र पर आया। अब कहाँ रखे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, सी और एफ के, तो सी और अनंत के बीच में कहीं आएगा। और जब हम एफ पर ही रख देंगे तो कहाँ आ जाएगा, अनंत पर आ जाएगा। जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की तरफ ले जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब दर्पण से दूर हटता जाता है, ठीक है ना। अब वस्तु को हम इसके इसके बीच रख देंगे और जब एफ और पी के बीच रख देंगे तो अब अनंत के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये दर्पण के पीछे बनने लगता है प्रतिबिंब। क्या क्या कहा हमने, सुनो, जब वस्तु को अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब बना फोकस पर, जब वस्तु को अनंत और सी के बीच रखे तो प्रतिबिंब बना एफ और सी के बीच, जब वस्तु को सी पर रखे तो प्रतिबिंब बना एफ सी पर, और जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखे तो सी और इन्फिनिटी के बीच, और एफ पर रखे तो इन्फिनिटी पर, और एफ और पी के बीच तो अब इन्फिनिटी के आगे होता नहीं तो इधर, यानी वस्तु को हम इधर ले जा रहे हैं दर्पण की तरफ, तब प्रतिबिंब जो है दूर भाग रहा है, प्रतिबिंब इधर आ रहा है, और एक बार ये बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, एक शार्ट में हम उसका एक टेबल बनाए देते हैं, देखना क्या कह दिया हमने। यहाँ पर लिखे देते हैं वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, अब प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ये वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु को कहाँ रखना है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब का आकार मतलब कितना बड़ा बनेगा, अप्रकृत मतलब वास्तविक प्रतिबिंब की आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो यहाँ पर वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, पहली बार अनंत पर रखा जाए, कहाँ पर, अनंत पर रखा जाए, वस्तु को कहाँ रखा जाए, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब में फोकस पर बनता है, और आकार बिंदु आकार का बनता है, बिंदु आकार का। प्रतिबिंब कैसा रहेगा, प्रतिबिंब बिंदु आकार का, और ये वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा ये प्रतिबिंब रहेगा। और जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखा जाए, ये अनंत है, ये क्या है, अनंत। तो ये प्रतिबिंब में जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस और वक्ता केंद्र के
बीच बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, और ये वही रहेगा वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, तीसरे नंबर पर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनता है, और ये भी वही रहेगा वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। चौथा नंबर, वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए, तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब में कहाँ बनेगा, वक्ता के अनंत के बीच, अब वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बनता है, अब वास्तविक तथा उल्टा ही रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा। अब पांचवें नंबर पर वस्तु को यह पर रखा जाए, फोकस पर, प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत पर बनता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा, और ये वही रहेगा वास्तविक तथा उल्टा। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा, और ये सीधा तथा आभासी, सीधा तथा आभासी। ठीक है ना, तो इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है कि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, और जब अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखेंगे तो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा, वक्ता केंद्र पर रखेंगे तो वक्ता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। पूछ देगा कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कब बनता है, तो कह देंगे जब वक्ता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है ना, अब वस्तु को वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, वस्तु बड़ा बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है ना, अब वस्तु को आप यह पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बहुत बड़ा और वास्तविक तथा उल्टा, और जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखे तो दर्पण के पीछे वस्तु बड़ा सीधा तथा आभासी। पूछ दिया जाएगा कि दर्पण में, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी कब बनता है ना, तो ये अवतल दर्पण में आए हैं, ये सब किस में है, अवतल दर्पण की बात किया गया है, अवतल दर्पण में। ठीक है ना, ये अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति आकार प्रकृति है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण के लिए बता दे, लिखे दे रहे उसमें,
उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर होने पर पृथ्वी में यफ पर बनता है, यफ यानी फोकस पर बनता है। इसके अलावा कहीं रखने पर, इसके अलावा कहीं रखने पर सदैव पी और एफ के बीच बनता है। ठीक है ना, सदैव कहाँ बनेगा? पी और एफ के बीच बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा सीधा तथा आभासी, ये समझ लो। क्या कह दिया हमने? उत्तल दर्पण में वस्तु को अनंत पर होने पर पृथ्वी में यफ पर बनता है। इसके अलावा कहीं रखने पर सदैव पी और एफ के बीच में, ये रहा, ये है, ये पी है, ये एफ है, ये सी है ना, ये उत्तल दर्पण है। तो इसमें वस्तु को अनंत पर यदि रख दिया तो कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। लेकिन इसके अलावा कहीं रखेंगे तो पी और एफ के बीच में आएगा। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर, इसके अलावा कहीं भी रखेंगे तो पी और एफ के बीच में आएगा। इधर तो रख नहीं सकते, ठीक है ना। ये गोली दर्पण में आर बराबर टू एफ होता है या एफ बराबर आर बटे दो होता है, ध्यान रखना। और समतल दर्पण में आर बराबर इन्फिनिटी होता है, फोकस दूरी भी अनंत होती है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या अनंत, फोकस दूरी अनंत। समतल दर्पण वक्रता त्रिज्या अनंत, फोकस दूरी अनंत, ठीक है ना। पृथ्वी में सीधा वस्तु के बराबर आभासी बनता है, ठीक है ना। परावर्तन में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आई बराबर आर, ठीक है ना। तो ये इसमें गोली दर्पण से जो ये प्रश्न है ना, तो ये साइंस में बता दिए, पटवारी और किसी परीक्षा में भी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है साइंस वाले चार टॉपिक से। और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।